आम आदमी पार्टी एचआरटीसी की जो पेंशनर्स एसोसिएशन है उनकी मांगों से रिलेटेड जो भी मांग पत्र उन्होंने सरकार को सौंपा है, आम आदमी पार्टी उनका समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन हिमाचल रोड ट्रांसपोर्टेज कॉरपोरेशन जब 1974 में बना तो जो सरकार का जो विभाग था वो कॉरपोरेशन में लीन हो गया, लेकिन व्यवस्था क्या रही, जो सरकार में लोग उस समय लगे थे और जब वो रिटायर हुए तो उन्हें जो पेंशन स्कीम थी वो एजी के थ्रू उन्हें मिलती थी, पुरानी जैसे सभी लोगों को पेंशन मिलती है। लेकिन 1974 के बाद जब कॉरपोरेशन बन गई तो वहां से जो लोग तब रिटायर हुए तब लगे उनको जो है पेंशन स्कीम जो है ग्रांटीडेड सरकार के द्वारा दी जाती है, और सरकार द्वारा पेंशन नहीं दी जाती है, 6-7 महीने उन्हें इंतजार करना पड़ता है, और वो भी इंतजार के बाद जो पेंशन है वो पेंशन लगभग उनको 30% बाकी लोगों के मुकाबले कम मिलती है। तो बहुत बड़ा एक शोषण जो है एचआरटीसी कर्मचारी पेंशनर एसोसिएशन का हो रहा है। और आप देखिए सारी उम्र जो है एचआरटीसी के जो लोग हैं वो सेवा करते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं उनके साथ हो जाती है, पूरा उनका एक परिवार जो है उस व्यक्ति की आय पे चलता है, और जब वो रिटायर होकर घर जाता है तो उसे पेंशन भी नहीं मिलती। तो किस प्रकार की जो सुविधा है सरकार इन लोगों को दे रही है जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन सर्वस्व सरकार के लिए कर दिया, और दूसरी तरफ सरकार जो है बड़ी योजनाएं ट्रांसपोर्ट में ला रही है, कर्जा ले रही है, 111 करोड़ समथिंग का भी कर्जा जो है सीधा सीधा ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने नाम लिया है ताकि जो है पिछले जो देय उनकी पूरी की जा सकते। और बहुत बड़ा एक छल जो है कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन के साथ जो है एचआरटीसी के साथ दिया जा रहा है। मैं उनकी मांगों के साथ बिल्कुल जो है बिल्कुल उनकी मांगों को जो एंडोर्स करता हूं, उनकी एक एक मांग चाहे मांग जो मेडिकल बिल से रिलेटेड हो, बाकी चीजों से रिलेटेड हो, जो भत्ता जो सारी सुविधाएं बाकी कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद मिलती है वो इन पेंशनरों को एचआरटीसी में भी मिलनी चाहिए। देखिए इनकी जो सेवाएं हैं उनको आप बिल्कुल ठुकरा नहीं सकते, इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से जो है इन्होंने काम प्रदेश सरकार की जनता के लिए किया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार की सेवा के लिए किया है। तो जो मांग पत्र पेंशन एसोसिएशन एचआरटीसी ने सौंपा है इससे पहले वो सड़कों पर उतरे, आम आदमी पार्टी उसका समर्थन करती है और प्रदेश सरकार से मांग करती है कि तुरंत उनकी मांगों को माना जाए और जो जो भी उनकी लामबंदी मांगे हैं जो जो उनकी एरियर्स हैं उन्हें दिया जाए, और सारे जो पेंशन की एक ही नीति होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ को जो एचआरटीसी ग्रांटीडेड फंड से पेंशन मिले, कुछ को पेंशन जो है एजी ऑफिस डायरेक्ट दे रहा है, सारी जो पेंशन है वो एजी ऑफिस के द्वारा दी जाए और उनका जो भुगतान है लंबित भुगतान है उसे पूरा किया जाए। और हम एचआरटीसी पेंशन एसोसिएशन को यह भी बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, आपकी जितनी मांग है उनको पूरा करने के लिए सरकार के साथ भी लड़ेगी, आपके मुद्दों को भी उठाएगी। साथ साथ उनको मैं यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका आप दे आप